चलता लो न दो अब न आना व अब न आको अनिसा आना व अनिसा आको अनफुसना व अनफुसको सम्मन बतहिल व न जाल्ला न तल्लाई अलल काजिबी फरमाया कमली वाले ईसाइयों के पादरी नु कह दे फरमाया तू अपनी औरत लेके आ जा मैं अपनी औरत लेके आ जाना तू अपने पुत्र लेके आ जा मैं अपने पुत्र लेके आ जाना तू अपनी जान लेके आ जा मैं अपनी जान लेके आ जाना फरमाया खुले मैदान च चले जाने तुसी ईसाई भी हाथ चुके दुआ कर आ जाए फरमाया मैं मुहम्मद भी हाथ चुके दुआ करांगा अर्थ करांगी या अल्लाह जरा सच्चा नो बाकी रख जेड़ा तेरा उन्होंने बाकी रख लै जेड़ा साढ़े चू झूठा है लानत अल्लाह अलल काज़िबी करिए या अल्लाह जेड़ा सच्चा उन्हों बाकी रख जेड़ा झूठा उन्हों नामो निशान मिटा दे उदे ते तेरी लानत हो जाए ईसाइयां दा पादरी मन गया नौजवान जेड़े वेले मुबाहले दा दिन आया ईसाइयां दा पादरी अपनी नस्ल लैके मैदान च आ गया अपनी औलाद लैके मैदान च आ गया जदों मुबाहले दा दिन आया अल्लाह ने रिशा फरमाया अबना फरमाया तू अपने पुत्र लेके आ जाई कमली वाले फरमाया मैं अपने पुत्र लेके आ जावांगा जद मुबाहले दा दिन आया मेरे नबी दा पुत्र जिंदा ही कोई नहीं नबी करीम टुरे टुरे सैयद ज़ारा पाक दे घर आए फरमाया बेटी हसन भेज दे इमाम हसन आके नाने दी गोदी च बैठ गए फरमाया बेटी हुसैन लेके आ जाओ हुसैन भी आके नाने दी गोदी च बैठ गए नौजवान लैके पुत्र जाना सी पर मेरे नबी ने पुत्रियां नूं गोदी च बिठा के उम्मत नूं दस्या दुनिया वाले ए अली दे भी पुत्र ने ए मुहम्मद दे भी पुत्र ने नौजवान पुत्रां दी वारी आई पुत्रे गोदी च बैठा ले फरमाया बनी सैन फरमाया तू अपनी औरतां लै आवी मैं अपनी औरतां लै आवांगा जदों पुत्रां दी वारी आई हसन ते हुसैन नूं बुला लिया औरतां दी वारी आई सैयद ज़ारा नूं बुला लिया फरमाया अल्फुसकुम फरमाया पादरी तू अपनी जान लेके आ जाई मैं अपनी जान लेके आ जावांगा कोठे शरफ दीन वाले जदों पुत्रां दी वारी आई हसनैन रख लिया औरतां दी वारी आई सैयद ज़ारान पाक नूं बुला लिया फरमाया जदों जान दी वारी आई फरमाया अली तू आ जा तू ते मुहम्मद दी जान जिंदाबाद उच्चा बोलो सारे जिंदाबाद आमीन 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 जब मुबाहले दा दिन आया ना ते अल्लाह ने फरमाया महबूब इन्हां नूं कह दियो तू पुत्र लेके आ ते मैं मुहम्मद भी पुत्र लेके आउणा पता लग्या औलाद अली दी ने ते आल नबी दी ने औलाद अली दी ते आल नबी दी ले चला हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार उते तुसी नहीं बोले नहीं ते ले मैं जाना सी हाथ चुक के बोलो तुसी चलो ते मैं ले जावणा होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आल नबी आल नबी औलाद अली दी सूरत शक्ल उना दी नाम लिया लख पाप नहीं रेंदे ते मैले अंदर दी जान दी
नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैले अंदर दी जानदी जिंदाबाद 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 बिस्मिल्लाह मेरी मिल्लत दे नौजवानों मौला अली भी आ गए सैयद ज़ारा भी आ गया थे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नजीरैन मजमाउल बहरैन ओ भी आ गए ए इसरा करके मेरे नबी ने कमली दी बुक्कल मारी ते कमली दे कोने अपने पांव दे अंगूठे दे नीचे रखे हुन कमली दे अंदर तन पांच ने ते पांच तन ने तन पांच ते पांच तन कारी साहब लोग कहंदे ने पांच तन पाक दा लफ्ज सुनिया ने कोल भी बना लिया ए इस्तिलाह लोगां ने कोल भी बना ली ए कोलो नहीं बनाई आ मैं तैनूं कुरान चो पांच तन पाक दा वजूद सुनावा कमली दे थले तन पांच ते पांच तन मेरे नबी ने इस तरह करके अर्ज की या अल्लाह आ मुहम्मद दी अहले बैत इन्हां नाल मैनूं प्यार है तू भी इन्हां नाल प्यार करिया कर ते जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे तू उन्हां नाल भी प्यार करिया कर ए प्यार दा तरीका है ना जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे नबी दा भी प्यारा ते खुदा दा भी प्यारा बेदम बारसी ने आख्या सी बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली यही पांच ने जेड़े मकसूद कायनात ने नौजवानों जब मोहबहले ते जामन दा वेला आया ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हुए हजरत इमाम हसन नो मेरे नबी ने अपनी दाई उंगली ना लगाया इमाम हुसैन नो गोद उठाया फरमाया बेटी जहरा तो मेरे पीछे आ ते मौला अली ने फरमाया अली तो मेरी बेटी के पीछे आ तुसा असूल देखा होगा कि दुनिया के अंदर कोई भी औरत हो कोई भी मर्द हो रिश्ता बाप ते बेटी का हो खावन ते बीवी का हो बहन ते भाई का हो बाप ते बेटी का हो भाई ते बहन का हो कोई भी रिश्ता हो हमेशा मर्द अगे चल दे ते औरत पिछे चल दी है मर्द बाप हो भाई हो बेटा हो या शौहर हो औरत बीवी हो बहन हो बेटी होवे किसी भी रिश्ते दे अंदर होवे औरत पीछे चल दी है मर्द आगे चल दे मगर ये भी याद रखियो वो जड़ी औरत पीछे चल दी है किसी उस बच्ची दे ज़हन च ये ख्याल ना आवे कि मैं खोरे मर्द नालो अजमत जो थोड़ी हाँ इस वास्ते मैं पीछे चल रही हाँ ते मर्द खोरे अगे इस वास्ते चल दे कि अदिजालु कव्वामूना अला निसा अल्लाह ने औरत दे उते मर्द नो हाकिम बनाए खोरे मर्द मेरे ते हाकिम है इस वास्ते अगे चल दे नहीं नहीं मुसलमान दी बेटी किधर अपन दा दिल छोटा ना करी हौसला छोटा ना करी किधरे अपनी अजमत नु कम ना जान जावी कि होरे मैं अजमत जो थोड़ी हाँ इस वास्ते मैं पिछे चलाया जा रहा है नहीं नहीं असल च जेड़ा अगे मर्द चल रहा है ना उस जमाने नु दस रहे है कि आ जेड़ी मेरे पिछे औरत आ रही ना मैं इदा पहरेदार हाँ मैं इदा बॉडी गार्ड हाँ जमाने दी तत्ती हवा जेड़ी इस औरत तक जानी है ना एद तक बाद च जावेगी पहले मेरे चो गुजर के जावेगी ते ऐ मुसलमान दी बेटी तेनों ते अल्लाह ने हर रिश्ता ही मर्द दा पहरेदार अता कीते तेनों ते रब ने मुफ्त दे बॉडीगार्ड अता कीते ने भावे बाप होवे शोहर होवे भाई होवे बेटा होवे अल्लाह ने तेनों मुफ्त दे बॉडीगार्ड अता कर दिते औरत पीछे चल दी है मर्द अगे चल दे मगर आज ते हैरत दी जा हो गई ओ यार नबी पाक दी अपनी बेटी दी वारी आई ते फरमाया मैं अगे चलना मेरी बेटी तू मेरे पीछे आ ते अली तू जहरा दे पीछे आ अर्ज कीती या रसूल अल्लाह ए अली ते जहरा पाक दे शौहर ने ते शौहर अगे चलदा बीवी अग पीछे चलदी है ते अपनी बेटी दी वारी आई ते फरमाया अली तू मेरी बेटी दे पीछे आ सुनया वजह की है ते आवाज आवेगी दुनिया वालेओ ए जहरा पाक फरमाया मैं तेरा शौहर मैं तेरा बाप हां ते मैं भी तेरा महरम हां अली तेरा शौहर है वो भी तेरा महरम है तू मेरे कदमा ते कदम रख दिया ते अली तू जहरा दे कदमा ते कदम रखदा आमी सवेरे उठ को फरिश्ता भी ना आखे कि मैं मुहम्मद दी बेटी दे पैर दा निशान वेख्या सी ओके पर्दे
دی وارث ہے نا اے پردے تے شرم و حیا دی وارث آئے میری ملت دے نوجوانوں ہن چلے پنج تن پاک اج میری تقریر دا عنوان ہے پنج تن پاک سبحان اللہ انہاں پنجاں دی ایک ایک گل سن لو تے بس تقریر مکمل ہو گئی سناواں سبحان اللہ تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی سبحان اللہ ہاتھ بالکل نہیں چکنے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے میں ہاتھ اس واسطے بار بار کہنا کھڑے کر لو کہ سورہ یاسین چ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پچھے بندہ کی کردا سی تے ہاتھ اے نہ کہ یا اللہ اے دودھ چ پانی پاندا سی اے پٹھے بگانے پڑ لیندا سی نہیں نہیں جدو اللہ ہاتھ نو پوچھے تے ہاتھ آکے معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو مصطفیٰ دا نام آندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ نوجوانوں کو لین دے والی اگے اگے جا رہے اگے اگے او ماہی پہ ٹردا جڑا ٹردا انج لگدا زمین لف جاندی ہے جویں زمین مصطفیٰ دے قدم چم کے چک کے آپ اگے رکھ دی آئی اگے اگے او ماہی پیا جاندا اے کہ کملی والے دے راواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاندا گیا او دی عظمت نو بندے آواں تے من نائی سی ਉਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰੇ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਜਾ ਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਾਬਾ ਕਦੇ ਦਾਏ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਏ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਪਰਵਾ ਸਹਾਬਾ ਖੈਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਨਦਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਇਹ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਥਰ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਪੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਰੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖਦ ਹੈ ਬਿਲਿਆ ਹਟ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਤੂੰ ਚੁੰਮੇ ਸਨ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹੀ ਟੁਰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਲਿਆ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਲੰਗਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਭਲੇ ਆਈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਲਦਾ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪਲਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ पढ़िया करना ओ पत्थरा तू कलमे पड़ा जान दाए ते सुकिया खजोरा उगा जान दाए ओ पत्थरा तू कलमे पड़ा जान दाए ते सुकिया खजोरा उगा जान दाए हुन जिदा जिदा दिल करदा मैं कयामत नूं उठा मेरा नबी दे नां ते खाना च नां लिखिया होवे ओ बंदा दोवें हथ खड़े कर ले देखो किदा किदा दिल करदा हथ खड़े कर लो सारे नीवे नहीं करने हुन इत्थे ही लहरा के पढ़ो ओ पत्थरा तू कलमे पड़ा जान दाए ते सुकिया खजूरा उगा जान दाए ओ डुबे हुए बेड़े करा जान दाए ओ डुबे हुए बेड़े करा जान दाए ओ डुबे करा जान दाए हाथ खड़े करके नाल मेरे मिलके पढ़ो ओ डुबे बेड़े करा जान दाए ओ डुबे बेड़े करा जान दाए
सारे कब ओ डूबे हुए बेड़े तरा जान दाए ओ डूबे हुए बेड़े तरा जान दाए ते गुंगे आंथी गल्ला तरा जान दाए ओ गुंगे आंथी गल्ला तरा जान दाए ओ पत्थरा तू कल हुन मैं तुहाडी आवाज सुनी ओ पत्थरा तरा जान दाए ते सुकी आंख जोरा उगा अजे मैं एक दी शान शुरू की थी, मैं पंजां दी सुनानी है। टाइम थोड़ा आओ एक एक गल कर लिए। मेरे नबी जा रहे थे, पीछे पीछे कौन जा रहे? सैयदा ज़हरा पाक। एक गल हुण सैयदा ज़हरा पाक दी सुन लो, ए ओ रसूलुल्लाह दी बेटी है। जदों लोग बेटियां नूं जिंदा दफन पे करदे सन, मुहम्मद दी धी आउंदी है, हजूर उठ के खड़े हो जांदे ने, सरकार उठ के खड़े हो जांदे ने। मैं उस ज़हरा पाक दा जिक्र करन लगा जिहड़ी खूने रसूल है, जिहड़ी मुस्तफा वर्गी है। इन्नी मुस्तफा वर्गी अर्ज़ कीती, या रसूल अल्लाह, फातिमा बोलदी है ते इंज लगदा आवाज मुहम्मद दी है, टुरदी है ते इंज लगदा टोर मुहम्मद दी है, उठदी है ते इंज लगदा अदा मुहम्मद दी है। ते सोणिया फातिमा ते है ही तुहाडे वर्गी। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाया, अल फातिमा तो बुदअतु मिन्नी, फरमाया क्यों ना मेरे वर्गी लगे, टुकड़ा ही मेरा है। फरमाया टुकड़ा ही मेरा है भाई। मेरे नबी ने फरमाया टुकड़ा ही मेरा है। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले आज। ओ ज़हरा पाक, मेरा दिल करता पहले मैं तुहानू साईं सरदार दे दरबार ते लै चला, हकीम साहब किबला सुल्ताने मियां हजरत साईं सरदार हुसैन सरदार ने जद रसूलुल्लाह दी बेटी दी आदमत वेखिया ना, साईं सरदार पुकार के कहंदा दिल मुस्तफा दा चैन दे करार फातिमा, दिल मुस्तफा दा चैन दे करार फातिमा। कौन है दिवाली को पूछिया गया बेटी का नाम फातिमा क्यों रखे आज? मेरे आका ने फरमाया फातिमा फातमों चो निकले आज, फातमों का मानी आजाद है। फरमाया मेरी बेटी आप ही दो जख्त आजाद है, केड़ा इहदे नाल प्यार करेगा उन्हों भी दो जख्त आजाद करा लेगी। फिर क्यों ना पढ़िए दिले मुस्तफा द चैन दे करार फातिमा, मौला अली दे घर दा सिंघार फातिमा। और बेटे शहीद बाप नबी फिर आप तैयबा, ओ जन्नत दी हुक्मरान पे सालार फातिमा। ओ नबी दी बेटी
दारा है मेरे ते द्वारे से आलकोट दा कलंदर लाहौर दा दरवेश मुसब्बरे पाकिस्तान अलामा इकबाल ने फरमाया ऐ नबी दी बेटी दारा जे शरीयत दियां बेड़ियां मेरे पैरां च नहीं होंदियां लोकी काबे दा तवाफ करदे ने मैं तेरी कब्र दा तवाफ करया करना। अलामा इकबाल ने फरमाया मेरा दिल करदा सहरा बजारा पाक मैं तुहाडी तुरबत अनवर दा तवाफ करा पर की करा शरीयत इजाजत नहीं देती जे शरीयत मना ना करदी ते लोक काबे दा तवाफ करन जांदे मैं सैयदा तेरी कब्र दा तवाफ करन जाना सी। ओ रसूलुल्लाह दी अजमत वाली बेटी मेरी मिल्लत दे नौजवानों आओ एक गल ओदी कर लिए जेड़ी सैयदा जारा पाक दे पीछे हस्ती पे चलदी है जिन्नू मौला अली आखदे ने सुभान अल्लाह अली वाला बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओ बोले जी दा पीर अली है भाई हाथ चौके बोलो मैं पता लगे जूंदे जागदे ची बैठा तुहाडे पिंड दी फिजा सुभान अल्लाह नाल गूंजदी रवे फरिश्ते झुक झुक के आखन आओ कोठे ने जिथे नबी दे आल दा जिक्र पिया हुंदा सुन ली सुभान अल्लाह पे आखदे ने मौला अली सुभान अल्लाह अल्लाह ने अली दी शान च नाज़िल फरमाया मैं उस अली दा जिक्र करन लगा मौला अली फरमाते ने सारा कुछ कुरान च तवज्जो है सुभान अल्लाह सारा कुछ कुरान में च जिदा ईमान है बोले सारा कुछ कुरान में च हजरत इमाम अहमद बोले हम्बल को एक बाबा आया इमाम अहमद बिन हम्बल को कह लगा मैं जब जवान सा अल्लाह ने मेनू बेटी अता की थी ते मैं इतना अमीर सा कि मैं मन्नत मान ली सुखना सुख ले नजर मान ली कि जब बेटी की शादी करांगा ते इनू जहेज च पूरी कायनात की हर चीज देवांगा ते अर्ज की हजूर अज मैं वडेरा हो गया उदू मेरे जितना अमीर कोई नहीं सी हुण मेरे जितना गरीब कोई नहीं बेटी की शादी का वेला आ गए ते मन्नत मनी सी बेटी नू कायनात की हर चीज देवांगा ते हुण की देवां आपने फरमाया जा बाबा बेटी जहेज च रब दा कुरान दे दे समझी सारी कायनात ही दे दी तुसा भी अपनी औलाद नु कुछ देना ना ते अपनी औलाद नु कुरान पढ़ा के जाया जे ते जाओ जाके रात दे 3 बजे दाता साहब वेख लो जेडे कुरान पढ़ के गए जे उन्हां दीयां कब्रां ते अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रिहा जे औलादा नु जे तोहफा देना ते कुरान दे के जाया जे कुरान च सारा कुछ पढ़ा कुरान के कुरान विच सारा कुछ अल्लाह ने फरमाया सारा कुछ कुरान दे अंदर है नौजवान कोठे शरफ दीन वाले सारा कुछ कुरान विच है कुरान मुहम्मद सीने मौला अली फरमाते ने सारा कुछ कुरान च जो कुछ कुरान च अल्लाह ने सारा इकट्ठा करके सूरे फातिहा च रख दिता फरमाते ने जो कुछ सूरे फातिहा दे अंदर अल्लाह ने इकट्ठा करके बिस्मिल्लाह दे अंदर रख दिता फरमाते ने जो कुछ बिस्मिल्लाह दे अंदर अल्लाह ने बिस्मिल्लाह दी बे दे अंदर रख दिता जो कुछ बिस्मिल्लाह दी बा दे अंदर वो बिस्मिल्लाह दी बा दे नीचे जेड़ा नुक्ता उस नुक्ते च रख दिता मौला अली फरमाते ने अन नुक्ता तू तख्तुल बा फरमाते ने बिस्मिल्लाह दी बे दे थल्ले जेड़ा नुक्ता है उसे नुक्ते दा नाम अली उसे नुक्ते दा नाम अली है
याद रखियो झूठा बंदा बेईमान बंदा मुनाफिक बंदा जिस्म दा कमजोर ते ईमान दा कमजोर बंदा अली दा जिक्र नहीं कर सकता। पुछोगे असी सब क्यों पाकिस्तान सब तो वड्डा बहादुर होवे ना उन्हों निशाने हैदर दिता जांदा है। पता लग गया कमजोर बंदा अली दा जिक्र करदा नहीं, कर लवे ते कमजोर रहिंदा ही नहीं। अली दा नाम अज भी कमजोरां दा जोर बन जांदा, अली दा लाइए नारा जंगां दा नक्शा होर बन जांदा है ना। हुण कमजोर ईमान वाला बंदा भी अली दा जिक्र नहीं कर सकदा, कमजोर जिस्म वाला कर लेते कमजोर रहिंदा ही नहीं। हुण तुसी भाई नारा लगाना है ते मैं वेखना वाला केड़ा केड़ा बंदा जिहड़ा ईमान वाला बैठा है, लगाओ उधर अली दे नाम दा नारा भाई। अली 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 आमीन। हुण मैं पढ़न लगा पिया वेखना भला किन्ने नहीं जिक्र अली करना। ए, मैं पावांगा के तो राजदारे खफी जली है जिधर भी देखो अली अली। नहीं इंज करके हाथ जोड़ के नारा मार के कहना अली अली है। तो राजदारे खफी जली है जिधर भी देखो, फिर बोलियो जिधर भी देखो, हाथ जोड़ के कहना जिधर भी देखो। तो आइए मिलके सारे पढ़िए। तो राजदारे खफी जली है जिधर भी देखो, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। तो राजदारे खफी जली है जिधर भी देखो, अली अली है जिधर भी देखो, अली है गवाह मदीने की हर गली है किधर भी देखो। अली अली है, बिस्मिल्लाह मेरी जान, जिधर भी देखो भाई, जिधर भी देखो अंदरों बोलो जिधर भी देखो। मैं मुजद्दिया, मेरे मुजद्दिद पाक फरमाते ने इस उम्मत च नहीं, फरमाते ने पिछलियां उम्मतां च भी जितने वली बने सन सारे अली दे सदके बने। सुभान अल्लाह, अली अली करके कई वली बन गए, सिर्फ अली अली करके कई वली बन गए। हुण एक गल अली दी हो गई, आओ एक गल करिए इमामे हसन दी। सुभान अल्लाह, एक इमामे हुसैन दी ते तकरीर मुकम्मल। मैं कहती मैं पंज तन पाक दा जी नहीं, अज नहीं, अज वेखो ना पंज तन पाक दा जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। सुभान अल्लाह, हुण मैं केड़ा कुलिया वरतां ते सुभान अल्लाह बोलोगे। जदों मैं सियालकोट तकरीर करना ते मैनूं बड़ा डर लगदा, उहदी वजह डर इस तों लगदा कैमरे लगे हुंदे ने वधेरे सारे, अलहमदुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान जिथे जावां कैमरे इस तरह ही हुंदे ने। तो मैं अजे घर नहीं पहुंचदा ते मेरी तकरीर यूट्यूब ते अपलोड हो गई हुंदी। सुभान अल्लाह, ते तुहानूं पूरी दुनिया वेख लैणा मेरे घर जाण तों पहले पहले। उहनां आखणा साडे कोल आउंदे नहीं, सुभान अल्लाह करा जांदे हो, अपने पिंड वाले तुहाडे कोल बोलदे ही नहीं। सुभान अल्लाह, रोंद ना मारो ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं कीम साहब रहीम यार खां गया, मैं आख्या रोंद ना मारो, वो एक दूसरे नूं पुछण लग पिया रोंद की हुंदा, ते तुहानूं ते पता तुसीं मारदे रहिंदे हो, रोंद ना मारो ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। एक बंदा आया मौला अली कोल ते आके मौला अली नूं कहण लगा अली तू नबी दे इलम दे शहर दा दरवाजा है। फरमा जी, कहण लगा मैं फिर तेरे कोल 10 सवाल पूछण लगा, अली तेनूं एक दा भी जवाब नहीं आना, इतने मुश्किल सवाल ने। मौला अली ने फरमाया बड़े मुश्किल सवाल ने। कहण लगा बड़े मुश्किल सवाल ने अली, तेनूं जवाब नहीं आना। इमामे हसन पे खेडदे सन वेड़े च, इमामे हसन नूं मौला अली फरमांदे ने हसन बेटा जरा इधर आओ ना। इमामे हसन आके अपने बाबा जान दी गोद च बैठ गए ते मौला अली उस बंदे नूं फरमान लगे ओ जिहड़े तेरे मुश्किल सवाल ने ना ओ मेरे हसन कोलों पुछ लै। ओ बंदा कहन लगा अली सवाल बड़े मुश्किल ने, तेनू भी जवाब नहीं आना, ते हसन ते बच्चा है। फरमाया पावे बच्चा है पर अली दा बच्चा है। सुभान अल्लाह,
फरमाया तो अपने सवाल मेरे हसन को पूछ ले। उन्हें इमाम हसन वाल वेख्या कि ये जो बचपन है ये मेरे सवालों के जवाब किवें देंगे। पर मौला अली ने फरमाया तू पूछते सही। इमाम हसन को कहने लगा बड़ा मुश्किल सवाल है। फरमाया जी पूछो। कहने लगा कि अल्लाह ने सारी कायनात सब तो ताकतवर से सख्त चीज की बनाई है। इमाम हसन फरमान लगे पत्थर। कहने लगा पत्थर नालों सख्त की बनाया है। फरमाया लोहा वो पत्थर नो भी कट देंदे। कहने लगा लोहे नाल ताकतवर ते सख्त की है। फरमाया अग वो लोहे नो पिघला देती है। कहने लगा अग नालों ताकतवर की है। फरमाया पानी वो अग नो भी बुझा देंदे। कहने लगा पानी नालों ताकतवर की है। फरमाया बादल वो पानी नो उठा के फिरदे रहंदे ने। कहने लगा ते बदला नालों ज्यादा ताकतवर की है। फरमाया हवा वो बदला नो उड़ाई फिरदी है। कहने लगा हवा नाल ताकतवर की है। फरमाया हवा दा फरिश्ता जिहड़ा हुक्म देंदा ते हवा टुर पैंदी है। कहने लगा हवा दे फरिश्ते नाल ताकतवर की है। फरमाया मौत दा फरिश्ता मुल्कुल मौत ते इजराइल जिन्हें उन्होंने भी मार देना है। कहने लगा इजराइल नाल ताकतवर की है। फरमाया मौत जिन्हें इजराइल नूं भी मार देना है। कहने लगा मौत नाल ताकतवर की है। फरमाया मेरे रब दा हुक्म सुभान अल्लाह। ओ बंदा उठ के टुर पिया ते कहने लगा इन्हां दे ते बच्चियां दा ए हाल है सुभान अल्लाह। इन्हां दे ते बच्चियां दा ए हाल है। गिरामी कदर हजरात ओ इमाम हसन ओ जिन्हें मुस्तफा दी जुबान दे चूसे ले होवन। हाय 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 ऐसा हलीम तबीयत इमाम हसन ऐसे नरम दिल मरवान इतना जालिम इंसान सी सारी जिंदगी इमाम हसन ते जुल्म करता रहा। चैन नालों ने एक दिन भी इमाम हसन को जिंदगी नहीं गुजारन देती। कई बेलियां दी कई बंदे दी आदत होंदी है ना बिला वजह शर फैलांदे ने। याद रखियो बदतरीन इंसान वो होंदा है कि जिदे शर तो बचन वास्ते लोगों की इज्जत करन कि किधरे मेरे नाल शर ना कर दे। बदतरीन इंसान है जिदे शर तो बचन वास्ते लोगों की इज्जत करन। मरवान बड़ा शरीर इंसान सी इमाम हसन बहुत तंग करता सी। पर जिस दिन इमाम हसन दा दुनिया तो शहादत हुई ना ते आप दा जनाजा जा रहा ते मरवान आप दे जनाजे पीछे उची उची रोवे ते चीखा मारे। इमाम हुसैन उदे करीब गए ते आपने फरमाया सारी जिंदगी तो मेरे वीर नूं सुख ते चैन नाल जिंदगी गुजारन नहीं दिती। अज मेरा वीर दुनिया तो टुर गया तो रोना क्यों मैं। सुनो मरवान बड़ा वड्डा दुश्मन सी इमाम हसन दा। पर तारीफ हो जड़ी दुश्मन भी करे मरवान इमाम हसन दे जनाजे नाल रो के कह लगा हुसैन मैं जुल्म दी इंतहा कर छड़ी है पर इस बंदे सबर दी इंतहा कर छड़ी है। ऐसे हलीम तबीयत सन हजरत इमाम हसन उन्हां दी सूरत नबी वर्गी सी। बल्कि रख थोड़ा आसरा रख बेटा। इमाम हसन दी सूरत यानी कि सिर दे वालां तो लेके नाफ तक मौला अली फरमांदे ने हसन दा वजूद नबी वर्गा। नाफ तो लेके पैरां तक इमाम हुसैन दा वजूद नबी वर्गा। पता लग्या सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी। आओ हुण इक गल इमाम हुसैन दी करिए ते इजाजत करिए। मैं पंज तन पाक दा जिक्र छेड़िया इमाम हुसैन जी बिस्मिल्ला। मैं सदके जनाब मैं लख वारी सदके बिस्मिल्ला गल सुनावन वास्ते आया तुसी सुनन वास्ते सारी रात गुजारी। पाकां दा जिक्र करके बंदा पाक हो जांदा है। मियां साहब फरमांदे ने नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे मैल अंदर दी जांदी। फरमांदे ने सिर्फ नाम लिया एडे पाक ने नाम लिया बंदा पाक हो जांदा है। तो इतने पाक लोग ने अल्लाह करे मेरी मिल्लत दे नौजवानां ते उहनां दी साडी जवानियां ते ना उहनां दी जवानी दा रंग चढ़ जावे। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नू इतने हसीन सन कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्के शाम तो एक तोहफा भेजा इमाम हुसैन वास्ते। वो जिहड़ा बंदा तोहफा लैके गया ना आपने उन्हें फरमाया कि जा ते मदीने इमाम हुसैन नू तोहफा पेश करके आ। वो बंदा दरवाजे च पहुंचा तो मुड़ के कहन लगा मैं मदीने टुरते जावां पर मैनू की पता लगेगा हुसैन कौन है मैनू की पहचान है मैं किवें वेखांगा कि इहनां च हुसैन किहड़ा है। आपने फरमाया मस्जिद नबी शरीफ च जावी जिहड़ा सारे च सोहना होया समझी आ ही हुसैन है। जरा सारे तो सोना होया समझियो हुसैन है इतना सोना मेरा हुसैन। गिरामी कदर हजरात इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप ना एक दरवाजा एक दिन खटकिया। दरवाजे च आया ना वो बंदा अपने इलाके का चौधरी ते नंबरदार सी पर उहदे ते माड़ा वक्त आ गया कोई कर्जा देना सी उहने किसे दा ते बुरा वक्त आ गया। अल्लाह बुरे वक्त तो सब नूं बचा के रखे। ख्याल आया जे किसी चौधरी को उधार मंगया ना तो उन्हें कल मैंने मेहने मारने ने कि चौधरी सह पर मेरे उधार से पलिया सह। ख्याल आया ते होवे ना ते नबी दे दोतरे को जाके ना मंगा जिन्हें दे भी देना ते मैंने भी नहीं देने।
ਉਹ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਤੇ ਲੌਂਡੀ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਲੌਂਡੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਨੇ ਖੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸ਼ੇਰ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਵਜ਼ਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਹਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੋਵੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਇਤਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ, ਲੌਂਡੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝੂਠ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗੇ ਇਕੱਠਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲੇ ਪੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਾਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਾਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕੋਠੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਮੰਗ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਅਰਦਾ ਕਰੋ ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਾਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੋਂ ਪੇ ਪਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੋਂ ਪੇ ਪਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਵਕਤ ਫਜਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਸੋਹਣਾ ਐਡਾ ਸਖੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੀਏ, ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਾਨਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਾਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੋਂ ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾ।